बेरोजगारी पर बदला सियासी अंदाज, बीजेपी कांग्रेस के बड़े बयान। बीजेपी ने किया बेरोजगारी युवा सम्मेलन, कांग्रेस को घेरा। बीजेपी सांसद बोहरा ने कहा, पिछली बीजेपी की सरकार में बेरोजगारों को नहीं हुई समस्या। रामचरण बोहरा की बात पर बेरोजगार हुए नाराज। गहलोत सरकार युवाओं को रोजगार और भत्ता देने के लिए उठा रही है कदम। सीएम गहलोत बजट में घोषित 75,000 भर्तियों की प्रक्रिया समय पर पूरी करने को लेकर गंभीर। नई भर्तियों को लेकर सीएम ने राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड को योजना बनाने के दिए निर्देश। बेरोजगारी की सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सरकार में चाहे कोई भी हो और विपक्ष में चाहे कोई भी बैठा हो, बेरोजगार युवा विपक्ष के नायक और सत्ता पक्ष के सबसे बड़े खलनायक होते हैं। आम आदमी हैरान होता है कि हर सरकारी विभाग नफरी की कमी का रोना रोता है और हर घर में बेरोजगार युवा मौजूद हैं, तो फिर ये गाड़ी अटकी कहाँ है? या तो काम करने वालों की कमी की बात झूठ है, या बेरोजगारी की बात झूठ है, या दोनों बातें सच हैं। तो सबसे बड़ा सच है कि सिस्टम इतना उलझा हुआ है कि जरूरतमंद की झोली तक रोजगार पहुँच ही नहीं पाता। कहीं विजन की कमी, कहीं इच्छा शक्ति की कमी, और इन सबसे पार पा भी लिया जाता है तो बात अदालत में जाकर अटक जाती है। इस सबसे निपटकर अगर सरकारें एक कदम आगे रखती हैं तो वित्तीय बदहाली दो कदम पीछे धकेल देती है। लेकिन इस सबका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि ये लाइलाज मर्ज है। सिस्टम के पास सिस्टम के ही पैदा किए हुए मर्ज का इलाज तो होगा ही, तो फिर वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? आज अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार युवा एक बार फिर सड़कों पर उतरे, जिससे ये बहस मौजूद हो गई है। बेरोजगारों और बेरोजगारी के इन तमाम पहलुओं पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। सवाल उठता है कि सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, क्या विपक्षी पार्टियां बेरोजगारों का सरकारों के खिलाफ इस्तेमाल करती आई हैं? वैकल्पिक रोजगारों के सृजन में अभी तक क्यों कामयाब नहीं हो पाया हमारा सिस्टम? और सरकारें तो बदलती रहेंगी, क्या कभी बेरोजगार युवाओं की नियति भी बदलेगी? आज हमारे साथ उपेन यादव हैं, एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष, जितेंद्र शिमाली जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और वरुण पुरोहित जी हमारे साथ, आप कांग्रेस विचारक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शिमाली साहब, वो जो आप 5 साल में करते आए थे, जो कांग्रेस की सरकार पिछले 1 साल से जिसने करना बंद कर दिया है, वो क्या क्या है जिसके लिए आप आज सड़कों पर उतरे थे? देखिए, कांग्रेस ने जब सत्ता में आने के लिए जब अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए, तो उन्होंने झूठ के बुनियाद पर टिकी हुई सरकार है ये। किसानों के साथ में झूठ बोला, उनके साथ में ठगी विद्या करी, और उसी प्रकार से बेरोजगारों के साथ में उन्होंने झूठ बोल के ठग विद्या करी। क्योंकि बेरोजगारों के लिए उन्होंने कहा था कि हम जितनी भी अटकी हुई भर्तियां हैं, वो उन सब अटकी हुई भर्तियों को हम उसको खोल करके और हम भर्तियां देंगे, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को 3,000 और 3,500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन दोनों बातों के ऊपर नहीं हुआ। झूठ की मिसाल आप देखिए मुख्यमंत्री जी की, इनसे देश के प्रदेश के बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर नहीं हुई। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया कि इन्होंने अपने बेटे का जो रोजगार था उसको जरूर उसकी व्यवस्था कर दी, उसके उस बेरोजगारी जो बेटा था जहां जनता ने उनको नकार दिया था उसकी बेरोजगारी दूर करके उसको रोजगार दिला दिया। परंतु जो राजस्थान के बाकी जो बेरोजगार हैं उनकी स्थिति बड़ी विकट है। आप इनके एक बात देखिए, जो आज ये प्रदर्शन के अंदर, आज जो सत्याग्रह के अंदर जो लोग इकट्ठे हुए थे, पंचायत राज के जो बेरोजगार युवक थे, उनके आगे देखिए कि जब सरकार ने 3 तारीख को 6 तारीख को ये
कैलेंडर जारी किया कि इतनी इतनी तारीख को इतने दिन के अंदर ये एक भर्ती होनी है, इसका ये काम इतने दिन होना है, इस कैलेंडर जारी किया। और उसके बाद में अशोक गहलोत साहब के यहां से सीएम का प्रेस नोट जारी हुआ और ये कहा था हमने बहुत ये कर दिया, 10,000 लोगों को नौकरियां हमने दी है और 50,000 लोगों को संबल मिलेगा। ये अशोक गहलोत साहब का खुद का ट्वीट है जिन्होंने इस पर ट्वीट करके ये कहा कि हमने 10,029 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के लिए आभार व्यक्त किया है और मिठाई खाई उनसे बेरोजगारों से, मिठाई खाई, माला पहनी, सब करने के बाद में उन बेरोजगारों को आज तक नौकरियां नहीं दी गई और उसका परिणाम ये निकला कि वो बेरोजगार आज सब इकट्ठे हुए। यही स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है, जो उपचुनाव हो रहे हैं उपचुनाव में उन बेरोजगारों ने जाकर के वहां अपना प्रदर्शन किया, तब कहीं जाकर के आज लिपापोती करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने कुछ लोगों को बुला करके उन्होंने विज्ञप्तियां जारी करवाई कि साहब हम ये बात कर रहे हैं, सीरियस है, गंभीर है। अरे भाई आप झूठ बोल दिए, मिठाई खा ली आपने, माला पहली, उसके बाद में आपने शिमाले जी जो लंबित नियुक्तियां हैं उन्हीं को लेकर आप थर सड़क पे थे ना आज, आज आपके आप जिन लोगों की पैरवी करने गए थे के साथ जो, तो मुझे एक बात बताइए, आ रहा हूं उपेंद्र यादव आपके पास, लेकिन मुझे एक बात, हाँ ठग विद्या की बात कर रहे थे, मुझे एक बात समझाइए कि आज जो सबसे बड़े झंडा बरदार थे आपके साथ उनमें पंचायती राज संविदा कर्मचारी संघ के भी लोग थे जिनकी 2013 में नियुक्ति होनी थी, जिनकी 2013 में नियुक्ति निकाली गई थी, जिनके लिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए थे उनके हक में, 2018 तक आप रहे, 2 साल में आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जब कोई अदालती पेचीदगी नहीं रह गई थी आप कुछ क्यों नहीं कर पाए? श्रीमाली साहब एक बार दोबारा मैं आपको पूछ रहा हूं कि पंचायती राज संविदा कर्मचारी संघ के जो अभ्यर्थी थे जिनमें से आधे लोगों की पोस्टिंग हो गई थी और आधे लोग रह गए थे बैठे हुए, उन लोगों का मामला अदालत में गया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट से सरकार के कह लीजिए या अभ्यर्थियों के कह लीजिए उनके पक्ष में डिसाइड हुआ, उसके बाद 2 साल तक आपकी सरकार रही। 50,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति, और ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, सरकार का विषय है ये, और ये एक सरकार के जब बीजेपी सरकार थी उस समय एक बोर्ड इनका काम कर रहा था कांग्रेस के कुछ वकीलों का और उन्होंने अनेक भर्तियों के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर उन भर्तियों को अटकाने का लगातार प्रयास किया और वो मामला फिर ये जहां तक आज के विषय की बात है, पंचायत राज वालों शिक्षकों का इनका देख ले या पंचायत राज जो एलडीसी कर्मचारियों का देख ले, इनके मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया उस समय, हां तो डिसाइड हो गया ना 2016 में, डिसाइड हो गया उनके पक्ष में, डिसाइड हो गया, निर्णय करके लेके आए, हां फिर जब निर्णय हो गया उसके बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिली, उसके बाद और आज आप सड़क पर हैं, और वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी बड़े बड़े वादे करके घोषणा पत्रों में चीजें शामिल करके आप लोग सत्ता में आए थे, साल भर में क्या हुआ? तो हुआ नहीं साहब, 6 महीने हुए, उसमें भी 3 महीने तो मोदी जी ने इतना लंबा लंबा चुनाव कराया, लोकसभा का आचार संहिता लग गई, मैं बोल लेता हूँ, मुझे बता दीजिए मोदी जी चुनाव करवाने वाले, 3 महीने का टाइम मोदी ने डिसाइड किया था, तो आचार संहिता लगी हुई थी, मोदी ने डिसाइड किया था क्या? अरे मोदी ने डिसाइड किया था क्या? तकनीकी तौर पर अगर आप बात कर रहे हैं तो चुनाव आयोग तय करता है, जितना समय लगता है उतना लगता है, आपको पहले पता नहीं था कि लोकसभा चुनाव होंगे? 6 महीने में आपको ये पता नहीं था क्या कि आचार संहिता लगने वाली है? आप किस तरह का एक्सक्यूज दे रहे हैं? ये पता था ना आपको कि लोकसभा चुनाव भी होंगे, उनकी आचार संहिता भी लगी, नोटबंदी, और उससे पहले आप कहां ले जा रहे हैं आप बात को? उससे पहले आप लोगों ने कैलेंडर भी जारी कर दिया था और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ जो मायूसी पसरी, ऐसा इन लोगों का कहना है जो आज सड़क पर उतरे थे, आज जो लोग सड़क पर उतरे थे उनका कहना है, भाई साहब उनका कहना है कि जो ही नतीजे आए आचार संहिता हटी और आपका मन बदल गया। हमारे साथ मग सिंह भी जुड़े हुए हैं, आप मग सिंह राजपुरोहित पंचायती राज संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, आप हैं हमारे साथ, आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? जी सर बिल्कुल आ रही है, सर आ रही है आदेश। तो ये बताइए कि आपकी नाराजगी आखिर किस बात की है, सड़क पर क्यों आना पड़ा आपको? आप लोगों के लिए तो कैलेंडर जारी कर दिया था, वरुण पुरोहित कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो आते ही बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया था, थोड़ा सा आचार संहिता की वजह से देरी हो गई। हेलो बोलिए मग सिंह राजपुरोहित बोलिए। हेलो जी सर बिल्कुल, हमारा सुप्रीम कोर्ट से फैसला सितंबर 2016 में आ चुका था, उसके बाद बीजेपी की सरकार 2 साल तक रही, हमने 60-60 दिन तक आंदोलन किए, राजेंद्र राठौड़ साहब ने हमारे उस आंदोलन को 50 बार उस आंदोलन में हमारी वार्ताएं करी, भर्ती कैलेंडर में आप लोगों को आश्वासन मिल गया था आपकी नियुक्ति होने वाली थी, आचार संहिता लग गई लोकसभा चुनाव के बाद में, क्यों आपकी नियुक्ति अटक गई ये समझाइए मुझे। बिल्कुल अटक गई सर, हम सीएम साहब से मिल लिए, उसके बाद में जैसे ही आचार संहिता
एवं लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, हम जस्ट इनके सीएम साहब से मिले जन सुनवाई में, एवं डेलीगेशन के रूप में भी मिले। सीएम साहब ने कहा कि फाइनेंस में फाइल है आपकी और जल्दी ही टेक्निकल कोई दिक्कत आ रही है, जल्दी आपका वापस कैलेंडर जारी कर नियुक्ति दे दी जाएगी। उसके बाद 29 अक्टूबर को हम मिले थे सर से, उन्होंने कहा कि आपका जल्दी करवा दूंगा, फाइल सीएमओ में है, आपकी नियुक्ति का कैलेंडर जारी हो जाएगा। जैसे ही सीएम साहब ने कहा, हम मिले पंचायत राज अधिकारियों से, उन्होंने कह दिया कि पंचायत राज में फाइल अभी आई नहीं है, फाइनेंस में ही पड़ी है, जब तक सीएम साहब निर्णय नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सीएम साहब आज आदेश कर दें, हम एक ही दिन में 10,029 पदों पे नियुक्ति जारी कर देंगे। सुन लिया, समझ में आ गए। हमारे पंचायत राज सेक्रेटरी पहले भर्ती कैलेंडर में नाम था, चुनाव के बाद में नहीं है। अब मुझे उपेंद्र यादव ये बताइए, और सब बातें अपनी जगह पर हैं जिस पर हम बहस करते हैं, बहस चलती रहेंगी। सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है, फला नियुक्ति अदालत में अटकी, फला नियुक्ति अदालत में अटकी, फला नियुक्ति अदालत में जाकर अटक गई, सारी नियुक्तियां अदालत में जाकर अटक जाती हैं। तो ये जो विज्ञप्तियां निकालते हैं उनको क्या इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इसके कानूनी तौर पर क्या क्या पहलू होंगे जिनमें कहां कहां सवाल उठ सकते हैं, जो कहां जाकर अदालत में अटक सकती है। आता हूं आपके पास, आप बताइएगा क्या है। तो इस बात को लेकर अकाउंटेबिलिटी कब तय होना शुरू होगी ताकि ये मर्ज खत्म हो? उपेंद्र यादव देखो, जो कोई भर्तियां निकलती है उसमें विसंगति होती है। अभी शिक्षा मंत्री जी को नई अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बताया, इसमें विसंगति है, लेकिन गेट बंद कर रहे हैं और ताना सही कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री साहब को उन्होंने शिकायत की है, लेकिन मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं ना कि हमने रोजगार दिया, आज राजनीति कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आराम से बोलिए, आंदोलन नहीं था, माइक जो है केवल 6 इंच की दूरी पे आप बोलिए, आराम से बोलिए। बेरोजगारों का आंदोलन था, उसको कह रहे भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन था। आज भी 50,000 भर्तियां हुआ जो 5 साल इन लोगों ने निकाल दी। एनएम भर्ती 2013 67-19 पदों पर आज भी लंबित है, जीनम है। इसके अलावा विद्यालय सहित 33,000 पदों पर और 10,039 पदों पर ये पंचायत राज एलडी जी 5 साल निकाल दी। क्या दिया? लाठी और मुकदमे। राजनीति कर रहे, हमने 1 तारीख को धरना दिया, आप हमारे साथ आते ना, बेरोजगारों के साथ आप समर्थन ही दे रहे थे, हमारे साथ आते ना। आज कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन था, ये बेरोजगारों ने अपनी आवाज उठाई थी। अब इस पे राजनीति न करिए, बेरोजगारों के साथ खिलाड़ नहीं करिए। आज हमने लगातार हमने मांग की सिस्टम में सुधार हो, हमने लगातार संघर्ष किया। हम कह रहे कि मुख्यमंत्री जी हमसे मिल लीजिए, आपसे जहां पूछ रहे हैं वाले आप आपके पास आते हैं। इन्होंने एक भी विज्ञप्ति दी क्या? शिवाली जी हमारे मांग, शिवाली जी एक मिनट सुन लीजिए, सर जो कुछ बोल रहे हैं आप बेरोजगार का बेइज्जती मत करिए। बेरोजगारों के साथ जो आप लोग कर रहे हो, अरे मुझे तो ये बताइए, रुकिए रुकिए एक मिनट, मुझे तो ये बताइए, अच्छा लग रहा था वसुंधरा राज जी को बेरोजगार, अरे मुझे तो ये बताओ, अब तो खुश हो उपेंद्र यादव, अब तो खुश हो ना? खुश नहीं, अब तो काम हो रहा है, आंदोलन काम हो रहा है ना, आंदोलन जारी है, कर रहे आंदोलन। आज सीएम साहब कम से कम सीएम साहब मिल रहे, मंत्री मिल रहे, हमारी बात तो पूछा पा रहे थे, सीएम साहब नहीं मिल रहे थे। ये कह रहे आज कह रहे दलाल है, जब वसुंधरा राज जी को समर्थन दिया, तलवार दी, तब भी दलाल था क्या? कहीं उपेंद्र यादव मुझे एक बात बताइए, अरे भाई एक बात बताइए उपेंद्र यादव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे जनलोकपाल के लिए अरविंद केजरीवाल को खुद मुख्यमंत्री बनना पड़ा, वैसे आप लोगों को भी कभी अपनी खुद की सरकार बनानी पड़ेगी तभी काम होगा। ना भाजपा से खुश ना सर कांग्रेस से खुश है आप, दोनों ही जो सरकारों में आपका काम नहीं हो रहा। हम लगातार मांग करें सिस्टम में सुधार हो, राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा कम हो, 21 राज्यों में 0% लिया जाता है, जिसका भाजपा विरोध कर रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर मैं अलग से बहस करूंगा एक दिन, लेकिन मुझे समझाइए जी जी। ये श्रीमाली साहब, आपके समय में जो विज्ञप्तियां निकली हुई, कहीं मेरे पास हो सकता है उनका ब्यौरा हो, उनमें से 2018 में आपने एलडीसी भर्ती परीक्षा भी निकाली, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा भी निकाली, हेडमास्टर भर्ती, एएसआई भर्ती, और उसके अलावा बहुत तमाम भर्तियां दुनिया भर की, सब 2018 में चुनावी वर्ष में जाते जाते। ये अगर काम पहले शुरू हो जाए तो शायद अदालत में जाकर जो कुछ करना पड़ता है वो भी वही सरकार निपटा ले। ऐसा नहीं है जितेंद्र जी, चुनावी स्टंट क्यों नहीं कहेगी कांग्रेस? देखिए 2018 में भर्तियां निकाली थी, उससे पहले भी ये लगातार चल रहा था, परंतु जो 2013 के अंदर जो भर्तियां निकली थी उनमें अधिकांश भर्तियां हाईकोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में अटक गई थी, और उन भर्तियों का निस्तारण करके उनके भर्तियों को चालू किया, उनकी नियुक्तियां लगानी चालू की, और 2018 के अंदर बेरोजगारों की इस बात को ध्यान में रखते हुए और ये नियुक्तियां की गई थी, परंतु वो प्रक्रिया पूरी होती। तो अब सरकार को राजनीतिक द्वेष की भावना से इन काम न करके
अगर 2018 में जो भर्तियां निकली है उनको नियुक्तियां देनी चाहिए थी, परंतु वो नियुक्तियां भी नहीं दे करके, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना ये कह करके कि ये बीजेपी सरकार के अंदर निकली हुई नियुक्तियां हैं, इन सब लोगों को रोक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से चाय पिया है इसलिए आप उनकी बात करेंगे, आप बेरोजगारों की बात करिए, बेरोजगारों का प्रतिनिधि है तो बेरोजगार की बात करिए, आपको बीजेपी कांग्रेस से क्या लेने देगा, आपको बीजेपी कांग्रेस से क्या लेने देगा, आप कांग्रेस के बेरोजगारों के हित की बात करिए, आप बेरोजगारों के हित की बात करिए, आगे देखिए आपने उनकी नियुक्तियां यहाँ पर जो उस समय आचार संहिता और दूसरे कारणों से लगी थी उनको सबको भर्तियां दी जा रही है। अरे शिवाली साहब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, 2013 की भर्तियों को आप कह रहे हैं कोर्ट में चली गई थी इसलिए उनको सुलझा करके नियुक्तियां शुरू करते करते आपको 2018 हो गया, तो यही चीज कांग्रेस पर क्यों नहीं लागू हो रही? 2018 के आखिर में आपने तमाम भर्तियां निकाली, उनको सुलझाते कांग्रेस सरकार ये कह देगी कि इनको निपटाते निपटाते टाइम निकल गया और हमारी तो सरकार का आखिरी साल आ गया, क्या करें? 2013 के अंदर श्याम सुंदर शर्मा जी उनमें ऐसी टेक्निकल फॉल्ट रखे गए जिसके कारण से मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अटके, परंतु 2018 के अंदर जो भर्तियां निकाली गई थी उसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं किया और उनको भर्तियां देनी चाहिए। राजनीतिक फायदा या तमाम चीजें अलग हो सकती हैं, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं क्या हम एक फूल प्रूफ कोई तरीका ऐसा नहीं निकाल सकते जिससे अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए कि आप घोषणा पत्र में कहेंगे तो आप करेंगे भी, और आप जो करेंगे वो कहीं जाकर अटकेगा नहीं, ना अदालत में अटकेगा, ना वित्तीय संसाधनों की वजह से अटकेगा, ना किसी और मॉडरेटरी की वजह से अटकेगा, ये जवाबदेही क्यों नहीं तय होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी जवाबदेही। श्याम सुंदर शर्मा जी देखिए, बिल्कुल श्रीमाली जी, जेपी शर्मा जी, आज मैं सबसे पहले तो जयप्रकाश जी को और राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश जी की तो आज जन्म शताब्दी है और दूसरी उनकी पुण्यतिथि है, ये दोनों ही सत्याग्रह के महान व्यक्ति थे, उनको तो आज याद नहीं करते हैं लोग, जिसके कारण आज पूरे देश में जिस तरह का वातावरण बना, आज उन्हीं के लेकर के आप उस व्यक्ति ने आंदोलन में भागीदारी निभाई जो कि किसी पार्टी का सगा रहता ही नहीं है। डॉक्टर करोड़ीलाल जी खुद अभी बेरोजगारी की स्थिति में, उनको तरीके से दर्जी नहीं मिल पा रही, तो वो अपने आप को, और क्योंकि जयपुर शहर में आपको शहरी निकाय के चुनाव लड़ने हैं इसलिए आपको बेरोजगार याद आए, आज बेरोजगारों के पास गए, साफे पहनने की जरूरत थी क्या? वहाँ जिस प्रकार से फूल छाले गए, जिस प्रकार से कहा गया, आज गए थे आप चयन बोर्ड के पास, बोर्ड ने कहा कि हमने एलडीसी की परीक्षा करा ली है, दीपावली पे हम निकाल देंगे उसका रिजल्ट, तो अब ये अगर आपका बोर्ड आपका ही बोर्ड बनाया हुआ, सुनिए सुनिए श्रीमाली जी, आपकी बोल रहे मैंने गलत नहीं कहा, आज देखिए आपके दो सांसद, आपके दो सांसद एक विधायक कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के सचिव से मिले नहीं मिले, मिले थे नहीं मिले आप बता दो, उसमें 12,000 और 50 पदों के लिए आप उन्होंने कहा, 400 पदों को छोड़ करके उन्होंने कहा कि दीपावली पे हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो प्रक्रिया है ना उसके तहत, उन्होंने ये कहा ना, गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिए, आप तो लीजिए सब ये शाम जी, लेकिन सवाल यहाँ ये है श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल यहाँ ये है, उपेंद्र यादव यहाँ कह रहे हैं, उपेंद्र यादव कह रहे हैं, मग सिंह बैठे हुए वो कह रहे हैं कि जो लोग हमको पलक पांवड़े हमारे लिए बिछाते थे, जो हमारे जख्मों पे मरहम लगाते थे, हमको कहते थे कि ये क्या किया तुम्हारे साथ, तुम लोग तो पहले से ही बहुत बुरी स्थिति में हो, तुम्हारे साथ तो बहुत बेहतर होना चाहिए, तो हम आ जाएंगे तो बेहतर करेंगे, चाहे वो शिमाली जी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वरुण पुरोहित जी की पार्टी हो, इनके विचार वाली पार्टी हो, समस्या तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखिए शर्मा जी, ये तो बात सही है कि 38 विभागों में 1,56,466 पद खाली पड़े पड़े, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की है, चाहे भले ये सरकार रही हो चाहे पुरानी सरकार रही हो, हम उनको बड़े धीरे 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 नियुक्तियां देने की बात करते हैं, बाहर हमेशा से होता है, आज से नहीं पुराने टाइम में भी यही हुआ, 5 साल तक कानूनी, आम आदमी को पता होना चाहिए, आम आदमी को पता होना चाहिए, उम्मीद लगाने से पहले वो ये उम्मीद लगाए कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, वो मांगने जाए उससे पहले उसको पता होना चाहिए कि खस्ता हाल है हमारी सरकार। उपेंद्र जी वो नहीं कह रहा हूँ, आप सरकारी नौकरियों के माध्यम से बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए आपको देखो इसलिए मैंने सवाल किया था कि तकनीकी शिक्षा, तकनीकी रोजगार के सृजन के ऊपर हम अब तक क्यों नहीं काम कर
पाए, क्योंकि तकनीकी शिक्षा के आधार पर हमको आप देखिए कि जितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और जितने व्हाइट कॉलर इंजीनियर बन गए जिनको कुछ आता नहीं, उनकी फैकल्टी को तैयार ही नहीं किया गया, वो बेरोजगार हैं आज। उनको उनको आप देखिएगा जिस प्रकार के करें कि 3,500 रुपये हम बेरोजगार भत्ता दे दें, बेरोजगार भत्ता देने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? ये नहीं हो सकता संभव। जब अगर राइडर लगाया कि हम शिक्षित उसको ग्रेजुएट को देंगे और 6 महीने तक देंगे क्योंकि वो सक्षम हो जाए, आपको बेरोजगार आप देते थे 600 रुपये, ये तो सही रिकॉर्डेड है सामने। तो इसलिए स्थिति आपको नीतिगत निर्णय करना पड़ेगा, बेरोजगारों को इस तरह के प्रशिक्षण देने पड़ेंगे जिससे कि वो स्वरोजगार का अपने आप को तैयार कर सके, नहीं तो हम बेरोजगारी जितने जिस हिसाब से आज युवा बैठे थे इतने ही रोजगार दे सकते हैं कि जब हमारे पास पद ही नहीं है, 1,56,466 पद टोटल खाली है, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। 75,000 की हमने घोषणा की है लेकिन घोषणा के अनुरूप भर्ती नहीं हो पा रही, उसका कारण है कि आचार संहिता लगी। लेकिन ये बात सही है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भर्ती जल्दी से नहीं होगी, सरकार अपने दिशा निर्देश में भर्ती कराती है, उसको कहते हैं डिले कीजिएगा, धीरे धीरे भर्ती होती है और वो धीरे धीरे 4 साल बीतेंगे 5-6 साल में आप भी पूरी कर दोगे। लेकिन ये बात सही, बेरोजगारों को आप स्थायी रूप से समाधान के लिए आपको निश्चित रूप से अपनी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना पड़ेगा और उनको प्रशिक्षण दे करके योग्य बनाना पड़ेगा। आप आज भी हमारे पास अच्छे टेक्नीशियन नहीं है और उसकी कमी के कारण हम बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे हैं। कहने का मतलब है आप भले कोई सी भी सरकार रहे, अब लोहिया जी की बात को याद रख लो या जयप्रकाश जी की बात को याद कर लो, आप जिस प्रकार से राजनीति करने के बजाय इनका सहयोग कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप जाकर के माला पहन रहे हो और चले सर हो गया। श्याम सुंदर शर्मा जी साहब के सुखी रहिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।